आनंद रोड आए हैं हमारे जिम में, हमें एक प्रेरणा देते हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको जिम के बाद ध्यान देना चाहिए, जो आज करके नशे में पड़े हुए हैं उनसे दूर हटके, ये एक हमारे लिए प्रेरणा है कि हम उनकी बहुत वेलकम करते हैं हमारे जिम में और उनको थैंक्स कहते हैं कि वो हमारे जिम में आए और हमारे जिम बहुत भाग्यशाली है। ओके, थैंक यू। जी सबसे पहले तो मैं अपने हैप्पी पाजी को थैंक यू बोलता हूँ और पूरे जिम स्ट्रीट के जो मेंबर्स हैं, क्रू है, उनको मैं थैंक यू बोलता हूँ। उन्होंने मेरे को यहाँ पे बुलाया और इतना इज्जत मान दी है। और नौजवानों के लिए ये बोलता हूँ कि इंडिया में आज तक ओलंपिया का मेडल नहीं आया था, जो कि खुदा की देन थी। मैं फर्स्ट जो पर्सन बना हिंदुस्तान में ओलंपिया का मेडल लेकर आया। और अगर मैं व्हीलचेयर पे होके इतने आगे तक जा सकता हूँ, तो दुनिया में जो चल फिर रहे हैं, जो नशे में हैं, उनके लिए मैसेज है कि वो कुछ भी कर सकते हैं अगर उनको एक सही दिशा दी जाए। सो यही मेरा मैसेज है। हेल्दी खाओ और जिम करो या कोई और स्पोर्ट्स करो और अपने देश का नाम रोशन करो। भगवान की मर्जी से आप देखो, यानी कह रहे हैं आजकल के नौजवान नशे की तरफ जा रहे हैं, तो उनको क्या प्रेरणा देना चाहोगे कि एक तो एक्सरसाइज है, इतना बढ़िया है, आप नाम इंडिया का रोशन किया, उसके बारे में क्या कहना? नौजवानों के लिए ये है कि नशे में जाके कुछ नहीं मिलेगा, बर्बादी मिलती है। और अगर आप अपनी फैमिली को प्यार करते हैं तो नशा छोड़िए, कुछ अच्छा कीजिए ताकि घर वाले भी खुश हों और दूसरे भी लोग खुश हों। क्योंकि रब ने सू सारा कुछ दिता हुआ, तो ही जी सा जवानी है, पंजाब की जवानी है, नशिया के वाल जा रही है, तो सू इन्हों मोटिवेशन लैनी चाहिए। फिक्र ना कर दोस्त, तेरे लिए दुआव बहुत ने।